Yes, students, you are welcome to the computer class for standard 8th. We are going to do the first chapter, Computer Networking. Lesson 1, Computer Networking. In this chapter, we will learn about computer network, advantages of computer network, components which are required for a network, topology. Topology means which topology is used in computer networking. Wireless networking technology, need for computer network, network terminology, types of network, network architecture, protocol. The process of connecting computers and peripheral devices with each other. Computers को connect करते हैं जब उसके peripheral devices के साथ. Then it is called computer networking. So that they can exchange data is called computer networking. इस तरह जो computer और उसके जो peripheral devices हैं उनमें data exchange होता है जो वही networking है. To do networking, various types of hardware devices, protocols and softwares are required. अगर हमने networking करनी है तो हमें हार्डवेयर डिवाइसेस भी चाहिए, मींस फिजिकली डिवाइसेस, उसके प्रोटोकॉल्स एंड और सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम अपना ये नेटवर्किंग प्रोसेस में ला सकते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क. द कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स विच कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. इट अलाउज अस टू शेयर द रिसोर्सेज सच एज कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स. सो सेम एज वी हैव रेड अबव द पैराग्राफ. The computer on the network can communicate with each other is as well as work independently. इस तरह जो computers हैं by network independently जो share कर सकते हैं data, communicate कर सकते हैं. Each computer in a network is called a node. हर computer को network में एक node कहा जाता है. The computers in the network may be linked through the cable, hub, switch, NIC. NIC means network interface card, modem or router. Networking में ये सभी चीज़ें जो है जरूरी हैं. Cables, hub, switch, NIC, modem or router. There are different kinds of computer networks that work in different ways. Networks may be very small and simple in a room or they may be complex as a global network like the internet. जो नेटवर्किंग है एक कमरे में भी हो सकती है, एक रूम के अंदर भी हो सकती है. अगर हमने इसको वाइड एरिया में करना है, ग्लोबल नेटवर्किंग करनी है, तो ये इंटरनेट थ्रू हम वाइड एरिया में भी कर सकते हैं. देयर मे बी वाइड और वायरलेस कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क. जो नेटवर्किंग है वो वायरलेस भी हो सकती है और वायर्ड भी हो सकती है. दोनों टाइप से नेटवर्किंग की जा सकती है, विद वायर और वायरलेस. नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड ऑन ए नेटवर्क हेल्प इन रिसोर्स शेयरिंग. नेटवर्किंग के थ्रू जो रिसोर्सेज हैं वो भी शेयर हो सकते हैं, मींस लाइक फाइल्स एंड हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स एक्सेट्रा. एंड कम्युनिकेशन, इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद अदर्स थ्रू ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इंस्टेंट मैसेजेस एक्सेट्रा. एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. हमें कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं. द इंफॉर्मेशन कैन बी इजली शेयर्ड बाय द पीपल. लोगों को जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी इजी है. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर. ये हार्डवेयर की कॉस्ट को भी कम करती है. स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन वन सेंट्रलाइज्ड लोकेशन. पूरी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, डाटा होता है, हम उसको एक जगह पे सेंट्रलाइज कर सकते हैं और नेटवर्किंग के थ्रू इसको सभी कंप्यूटर्स पे शेयर किया जा सकता है. रिलायबिलिटी इम्प्लाइज बैकिंग अप ऑफ इंफॉर्मेशन. इफ ए सिस्टम क्रैशेज देन द इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल ऑन अनदर वर्क स्टेशन फॉर फ्यूचर यूज. अगर सिस्टम में कोई क्रैश आता है तो इंफॉर्मेशन को हम किसी दूसरे वर्क स्टेशन पे भी एक्सेस कर सकते हैं. रिडक्शन इन इंस्टॉलेशन कॉस्ट. इस तरह जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है. Use authentication process to secure the data.
इस तरह जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है वो डाटा को सिक्योर करता है। ऑथेंटिकेशन मीन्स सिक्योरिटी पर्पस। नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में मेन नेट हमारे पास एक सर्वर होता है, सेकंड वन क्लाइंट सर्वर। अ सर्वर इज आल्सो कॉल्ड एज होस्ट कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स द एक्सेस टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन द नेटवर्क। इट प्रोवाइड्स ए सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एरिया फॉर द प्रोग्राम्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन। द कंप्यूटर विच परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। जो कंप्यूटर एक स्पेसिफिक टास्क करता है उसको डेडिकेटेड सर्वर कहा जाता है। द कंप्यूटर विच मैनेज द प्रिंटर एंड डॉक्यूमेंट्स बीइंग प्रिंटर इज कॉल्ड द प्रिंटर सर्वर। इसको प्रिंटर सर्वर एंड सेकेंड वन है जो स्टोर्स एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू डाटाबेस इज कॉल्ड डाटाबेस सर्वर। एंड द सर्वर विच मैनेज द नेटवर्क ट्रैफिक इज कॉल्ड नेटवर्क सर्वर। द कंप्यूटर विच डिलीवर्स द रिक्वेस्टेड वेब पेजेस टू आवर कंप्यूटर इज कॉल्ड ए वेब सर्वर। वेब पेजेस पे जो डाटा डिलीवर किया जाता है दैट इज कॉल्ड वेब सर्वर। क्लाइंट, इट इज अ कंप्यूटर विच डिपेंड्स अपॉन द सर्वर फॉर ऑल द रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल्स अ सर्वर माइट स्टोर ए नेटवर्क वर्जन ऑफ एक्सेल प्रोग्राम। क्लाइंट ऑन द नेटवर्क कैन एक्सेस द एक्सेल प्रोग्राम फ्रॉम द सर्वर। जो क्लाइंट्स हैं वो सर्वर से जो पूरा डाटा है जो एक्सेस कर सकते हैं। सर्वर इज द मेन कंप्यूटर फ्रॉम वेयर द अदर क्लाइंट्स कैन एक्सेस द डाटा। नाउ कंपोनेंट्स फॉर ए नेटवर्क, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ईथरनेट केबल, हब और स्विच, मॉडेम एंड रूटर। दीज आर द कंपोनेंट्स दैट आर यूज टू कंप्यूटर नेटवर्किंग। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क में नेटवर्किंग की जाती है लोकल एरिया में दैट इज द लैन। इट इज अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इंटरकनेक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस विद ए रेडियस ऑफ लेस देन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से कम वाले एरिया में जो नेटवर्किंग होती है उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। और उसकी जो टोपोलॉजी है वो देखो ऐसी होती है रिंग में। नेक्स्ट इज मैन, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दिस नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लोकल एरिया नेटवर्क। जब एक लोकल एरिया से बाहर वाले किसी एरिया के साथ नेटवर्किंग की जाती है अनदर कैंपस एरिया से, जब टुगेदर टू एरियाज हो जाते हैं तब सेम सिटी और टाउन में बिल्डिंग्स में जो भी नेटवर्किंग की जाती है दैट इज कॉल्ड मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मैन। दिस इज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड अदर एरियाज आर कनेक्टेड विद इट। नेक्स्ट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इट इज ए डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इंटरकनेक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ए वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। दिस नेटवर्क में ऑपरेट ऑन ए वर्ल्ड वाइड और नेशन वाइड बेसिस। इन सच टाइप ऑफ नेटवर्क देयर मे नॉट बी फिजिकल कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स। इन वैन टेलीफोन लाइन्स, माइक्रोवेव, सैटेलाइट लिंक्स एक्सेट्रा कैन बी यूज ऑन एज ट्रांसमिशन मीडियम। दिस इज द वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया में जो है लोकल एरिया नेटवर्क है जो 1 किलोमीटर के दायरे में होता है दैट इज कॉल्ड लैन। जब हम एक एरिया को दूसरे अनदर एरिया के साथ नेटवर्किंग करते हैं दैट इज कॉल्ड मैन। और जब ये बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में हो जाता है, वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, फार अवे जो हमारे स्टेट्स होते हैं उनमें जो नेटवर्किंग की जाती है तो उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसका जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। दीज आर प्राइवेटली ओन नेटवर्क। पैन इज यूज टू एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन अमंगेस्ट द कंप्यूटर्स विद इन द रेंज ऑफ 20 to 30 feet। इट कैन बी वाइड और वायरलेस। पैन होता है जो 20 से लेके 30 फीट की दूरी में होता है। ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। इसको कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क।
कैन ऑल्सो नोन एज क्लस्टर एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स टू और मोर लैंड्स दैट आर लिमिटेड टू स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज कैंपस, ऑफिस बिल्डिंग। जब किसी कॉलेज कैंपस में या फिर किसी ऑफिस की बिल्डिंग में नेटवर्किंग की जाती है तो उसको कैंपस एरिया नेटवर्क कहा जाता है। उसके बाद है बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी रेफर्स टू ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स और नोड्स इन नेटवर्किंग। इसकी जो बनतर है वो कैसे होती है, नोड्स मीन्स कंप्यूटर्स कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, ये बस टोपोलॉजी है। इसकी वायरिंग ऐसे होती है। नेक्स्ट इज द रिंग टोपोलॉजी। इनको सर्कुलर पाथ में नेटवर्किंग दी जाती है। दिस इज द स्टार स्टार टोपोलॉजी। इसमें जो मेन हब लग जाती है उसके जो साइड्स पे इन स्टार फॉर्म नोड्स हैं जो ऐड किए जाते हैं। ट्री टोपोलॉजी मीन्स हब्स के साथ ट्री की शेप में जो है सभी नेटवर्क को बनाया जाता है। मैश टोपोलॉजी मीन्स एवरी सिंगल नोड इज इन ए नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ऑल द अदर नोड्स और कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। देयर इज मिनिमल चांसेस ऑफ ब्रेक डाउन इन द इन दिस टोपोलॉजी। दिस टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज इन लैंस। नेटवर्क आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर नेटवर्क मीन्स टू और मोर कंप्यूटर्स दैट यूज द सेम टाइप ऑफ प्रोग्राम टू शेयर द डाटा। ईच कंप्यूटर इज कंसिडर टू हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्ट्स लाइक ए सर्वर टू द अदर कंप्यूटर्स। इट वर्क्स वेल इन स्मॉल एनवायरमेंट। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क वेरी फेमस थ्रू द इंटरनेट। वन इज मेन सर्वर एंड अदर क्लाइंट्स टेक डाटा एक्सेस डाटा फ्रॉम दिस सर्वर। वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। इन ए वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी नो वायर और फिजिकल मीडिया इज यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स। इट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक इन्फ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। डाटा को जो ट्रांसमिशन करने के लिए इन वेव्स को यूज किया जाता है, इन्फ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो। द चॉइस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। देर आर टू टाइप्स ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी नेम्ड वाईफाई एंड ब्लूटूथ। वी ऑल्सो नो अबाउट वाईफाई। वाईफाई इज वेरी फेमस and it is a very useful data for high speed. Wi-Fi is the most popular wireless communication technology used for homes, private business, LANs and public hotspots. A Wi-Fi enabled device such as a PC, video game console, mobile phones or MP3 player can connect to the internet when it comes within the range of a wireless network. Wi-Fi allows us to deploy local area networks without wires, thus reduces the cost of the network expansion. ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज ए टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन ए लो पावर कंजप्शन डिवाइस विद इन ए शॉर्ट रेंज, 1 meter, 10 meter, 100 meter। इट फैसिलिटेट्स फॉर डिफरेंट डिवाइसेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एज वी आर यूजिंग द मोबाइल ब्लूटूथ, इट इज़ वेरी कॉमन यूज। The latest version of Bluetooth, Bluetooth 5.0 technology, provides data transfer speed up to 2 Mbps. It provides a way to connect and exchange information between devices, mobile phones, telephones, laptops, printers, personal computers, GPS receivers through 2.5 GHz short range radio frequency bandwidth. Next, what are the protocols? Set of rules that governs the communication between the computer on a network. HTTP, HTTPS, FTP, TCP or IP, POP3, IMAP, SMTP. These are the protocols throughout we can transfer the data. On different ways the data is sent through these protocols on the internet. So, thanks and have a nice day, students.